कुक विद पारुल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल और आपका कुक विद पारुल में बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है डोसे के पकौड़े। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान बनाने में। जब आप इसको खाएंगे आपको लगेगा कि आप डोसे खा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अलग तरीके से बनती है। इसको हम डोसे से नहीं बनाते हैं, लेकिन ये बनती बिल्कुल डोसे जैसी है। इसको साउथ में डोसा पोंडा भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं डोसे के पकौड़े इस नई तरीके से। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक बॉइल्ड आलू, उसको मैंने मैश कर लिया है डोसा बैटर। तो सबसे पहले डोसा बैटर में हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। आलू के मसाला बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे नमक, मिर्च। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून सावर मसाला। इसमें ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी कैप्सिकम शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। ये सब ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पर। और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा करी पत्ता। अब इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इसकी हम बनाएंगे छोटी छोटी बॉल। हाथ को थोड़ा सा ग्रीस करके इस तरीके से हम छोटी छोटी इसकी बॉल बना लेंगे, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बेस लेकर के इस तरीके से गोल घुमा करके उसकी बॉल बना लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने आलू के जो हमने मैश तैयार किया था उसका मैंने इस तरीके से बॉल बना ली है। और अब हम तैयार करेंगे बैटर को। बैटर में मैंने नमक डाल दिया था, अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच बेसन। ये लगभग 1 कप बैटर है तो मैं इसमें 1 चम्मच बेसन मिला रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ जाए और बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी स्वाद आए बॉन्डों में। ये देखिए मैंने बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है बैटर में और ये घोल बिल्कुल तैयार है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं थिक रखी है, क्योंकि हमें इसमें बॉल को डिप करना है, अगर ज्यादा पतला होगा तो फ्राई करने में प्रॉब्लम होगी। आप सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रखेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। अब बैटर जो हमने तैयार किया है उसमें मैं ये जो मैंने आलू की बॉल तैयार की थी इसको हम डिप करेंगे बिल्कुल उस तरीके से जैसे हम पकौड़े बनाते हैं, इस तरीके से डिप करके अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। सभी को हमें इसी तरीके से डालना होगा। बॉन्डे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और साउथ में बहुत फेमस है। ये देखिए बॉन्डे कितने बढ़िया सिक रहे हैं। और हमें याद रखना है कि फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, ज्यादा लो नहीं रखना है। ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली चीजें हैं। तो आप जब भी आपका इडली या डोसे का बैटर बच जाए तो ये डिफरेंट वैरायटीज बनाइए। इसको थोड़ा सा हम पलट के फ्राई करेंगे। बॉन्डे में बहुत अच्छा कलर आ गया है तो गैस को ऑफ कर देते हैं और सबको बाहर निकाल लेते हैं। बॉन्डा बिल्कुल तैयार हो चुके हैं तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, एक बार आप जरूर इसको ट्राई करें। Hope you like this recipe. Your views matter to me. Your encouragement support means lot to me. So please click the subscription button and share the videos, watch the videos. Keep watching. Enjoy Smart Cooking with Cook with Pavan.